तो दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल तरीके से एक मिनी पोर्टेबल फ़ैन बना सकते हैं, यानी एक छोटा सा टेबल फ़ैन, जो कि मतलब हमें सिर्फ सिंपल से एक बैटरी के ऊपर एक क्लिप कवर लगा कर हमने बनाया था। कुछ शायद अगर याद हो तो आज का जो प्रोजेक्ट है, आज हम जिस चीज़ को बनाने वाले हैं, टॉर्च लाइट, यानी कि जो LED टॉर्च लाइट जो आज हम बनाने वाले हैं, वो जो आज का प्रोजेक्ट है, वो जो फ़ैन था उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट होता है। यानी कि अगर आपने उस वीडियो को अब तक देखा नहीं हुआ तो आप उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपने वीडियो देखा हुआ है तो ये आज का वीडियो बिल्कुल उसी की तरह होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सी LED टॉर्च लाइट बनाने के लिए जो हमें चीज़ जिस की ज़रूरत पड़ेगी वो है कुछ इस तरह की एक 9 वोल्ट की बैटरी। अगर आपके पास ये 9 वोल्ट की बैटरी नहीं है तो आप इस तरह के किसी ड्यूरासेल का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप सेल का यूज़ कर सकते हो, ये भी काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है और ये इससे जो है हमारी LED लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ब्राइट करेगी। बाकी आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। और हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह के एक स्विच की, ऑन ऑफ करने के लिए हमारी लाइट को एक स्विच की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और हमें ज़रूरत है कुछ इस तरह की एक LED लाइट की, कुछ इस तरह की LED लाइट। देखो ये 2 LED लाइट्स का है, मतलब एक बोर्ड के ऊपर जो है 2 LED लाइट्स को लगाया हुआ है, कुछ इस तरह का ये बोर्ड होता है, इसके ऊपर जो है 2 LED लाइट्स को लगाया हुआ है। तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको ऑफलाइन मार्केट से ख़रीद सकते हो, मतलब ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, 3 या 4 रुपए में आपको मिल सकता है ये ऑफलाइन मार्केट से। मैंने भी इसको ऑफलाइन मार्केट में ही ख़रीदा था। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप इस तरह के LED बल्ब्स का यूज़ भी कर सकते हो, इस तरह के LED बल्ब्स का यूज़ भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में आपको इस तरह का एक रजिस्टर भी लगाना पड़ेगा। बिना रजिस्टर के आप LED लाइट को यूज़ नहीं कर सकते। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब वीडियो तो शुरू हो ही गई लेकिन इसको प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें चाहिए होगी, एक मिनट, शायद एक चीज़ की कमी है। अच्छा, ये नहीं चाहिए हमें, सॉरी, मैं क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी से बनाने वाला हूँ। एक चीज़ की और हमें ज़रूरत है, वो है कुछ इस तरह का एक क्लिप कवर, यानी कि 9 वोल्ट बैटरी को जिसके मदद से हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमें उसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो चलो पहले सर्किट को बना लेते हैं। अब सर्किट बनाने के लिए, अब सर्किट बनेगा कैसे, सर्किट बनाते हैं। चलो पहले तो बन गया सर्किट। तो सर्किट देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हमने मतलब जो भी चीज़ें थी वो सब यूज़ कर ली। देखो यहाँ पर हमने क्लिप कनेक्टर था, उसकी पॉजिटिव जो मतलब बैटरी की पॉजिटिव वायर हमने LED की पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर दी यहाँ पर, और इस मतलब बैटरी की नेगेटिव वायर स्विच के साथ और LED की नेगेटिव वायर भी स्विच के साथ। इस तरह से जो है हमारा बिल्कुल सिंपल सा सर्किट बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो किस तरह से सर्किट हमने बनाया है। अब इसको यहाँ पर सिर्फ हमें बैटरी को कनेक्ट करना है, तो चलो बैटरी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, और ये बैटरी लग गई यहाँ पर। अब चलिए इसको स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा काम करता है या फिर नहीं। तो यस, हमारा जो LED लाइट है वो काम कर रहा है, ये देख सकते हो, यानी कि जो सर्किट है वो मैंने बिल्कुल अच्छे से ठीक बना दिया हुआ है। तो अब LED लाइट देख सकते हो आप ऑन, ये मैंने इसको ऑन किया हुआ है, मैं ऑफ़ करूँगा तो LED लाइट भी ऑफ हो जाएगी। ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो काम कर रहा है हमारा LED लाइट। तो अब इसको इस तरह से मतलब बन तो चुकी है हमारी टॉर्च, लेकिन इस तरह से इसको थोड़ा इसको और मतलब अच्छा दिखने के लिए कुछ हम इसमें कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इसको यहाँ पर इस तरह से लगा दें तो कुछ इस तरह की टॉर्च टाइप बन जाएगा, इन वायर्स को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे और इस स्विच को यहाँ पर हम लगा देंगे ऑन ऑफ करने के लिए। तो चलो पहले ये सब कर लेते हैं, उसके लिए मैं यूज़ में लूँगा अपनी ग्लू गन। तो चलो पहले इस ग्लू गन को थोड़ा हीट होने के लिए वेट करते हैं। तो दोस्तों हमारी ग्लू गन बिल्कुल तैयार है, इसमें से ग्लू हॉट ग्लू जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है, देख सकते हो। अब बस देरी है तो जल्दी से हम इसको फिक्स कर देते हैं। मैंने सोचा है कि जो स्विच है, एक मिनट, ऑन है, तो मतलब इस स्विच को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी हॉट ग्लू लगा देते हैं। तो ये रही, तो यहाँ पर हॉट ग्लू पहले लगा देते हैं कुछ इस तरह से।
बस इतनी काफ़ी रहेगी। अब जल्दी से इसको यहाँ पर स्विच को लगा देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए हमारा स्विच यहाँ पर लग चुका है, सो थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं जिससे कि अच्छी तरह से लग जाए और कहीं निकल ना जाए दोबारा। तो हमारा स्विच तो लग चुका है और अब बस एलईडी लाइट को भी कुछ इस तरह से जो है हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। कुछ इस तरह से कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पर फिक्स। तो इसको भी यहाँ पर भी पहले हॉट ग्लू लगा देते हैं। हॉट ग्लू यहाँ पर लगाऊंगा मैं। बस इतना काफ़ी रहेगा। अब बस जल्दी से यहाँ पर इसको एलईडी लाइट को भी फिक्स कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये लग गया यहाँ पर। तो हमने दोनों चीज़ों को, जो स्विच और एलईडी लाइट था, वो हमने अपनी अपनी उनकी पोजीशन पर लगा दिया हुआ है। तो अब बस इसको सूखने के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी अभी मुझे एक चीज़ पता चली कि क्या हुआ। अभी यहाँ पर मैंने जो है हॉट ग्लू लगाई थी स्विच के पास, तो उससे क्या हुआ, जो इस सरफेस है बैटरी का वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और जो ये क्या है स्विच, थोड़ा प्लास्टिक मटेरियल है। तो दोनों के आपस में बीच में ग्लू गन से थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब ग्लू गन की मदद से, मतलब हॉट ग्लू की मदद से स्विच बैटरी के साथ नहीं लग पाया, इसलिए मैंने टेप की मदद से मुझे इसको फिक्स करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ ये देख सकते हो, लेकिन ये अभी भी मतलब स्विच हमारा काम कर रहा है, और जो हमारा टॉर्च है वो बिल्कुल रेडी है। देख सकते हो हमारी टॉर्च बिल्कुल तैयार है। आपको थोड़ा दिखने में काफ़ी फनी लग रहा होगा कि कितनी बेकार चीज़ बनाई है मैंने, लेकिन यार ये सिंपल चीज़ है, बेकार है मुझे भी पता है बेकार है, लेकिन यार ये सिंपल सा एक हम कह सकते हैं क्विक प्रोजेक्ट है। जैसे हमने टेबल फ़ैन बनाया था, टेबल फ़ैन मतलब ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं करा, कोई कार्डबोर्ड का पीस नहीं हमने यूज़ किया, कुछ भी नहीं यूज़ किया, बिल्कुल सिंपल सा था टेबल फ़ैन। मतलब ये भी कुछ इस तरह से ही बनाया हमने टेबल फ़ैन की तरह। अगर आपने वो टेबल फ़ैन वाली वीडियो देखी है तो आपको थोड़ा थोड़ा आप इस चीज़ को उससे रिलेट कर सकते हो। नहीं देखी तो अभी भी कह रहा हूँ, आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख लो। तो हमारी टॉर्च बिल्कुल तैयार है, देख सकते हो, और उसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, देखो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। फिर मिलता हूँ।